वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी सुणांगे साखी भाई जोधे दी। श्री गुरु अंगद देव जी बाल लैणे दे सरूप विच अपने माता पिता नाल खडूर साहब वस गए सन। भाई जोधा श्री गुरु नानक देव जी का एक सिख भी इसे खडूर साहब पिंड विच वसदा सी। भाई जोधा करतारपुर श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करन जांदा रहिंदा सी। कई बार वह कई कई दिन करतारपुर ठहर कीर्तन सरवण कर अते गुरु साहब के अमृतमई बचन सुन अपना जीवन सफल करता सी। श्री गुरु नानक देव जी के उचारे शब्द उस लिख लैंदा ते घर आ उसनू जवानी याद कर लैंदा। गुरु नानक देव जी की आसा दी वार दे शब्द सारे उस जवानी याद कर ले सन। भाई जोधा अपने घर हर रोज़ सवेरे अमृत वेले उठ इशनान करन तो बाद श्री गुरु नानक देव जी के उचारे आसा दी वार दे शब्द उच्ची सुर विच गाउंदा सी। उस तो बाद पहले पातशाही दे होर जवानी याद किते शब्दां नू वी उच्ची सुर विच गाउंदा। भाई जोधे दा इह नित दा विहार सी। उसकी आवाज़ विच बड़ी मिठास सी। इस दे नाल गुरु नानक देव जी की बाणी उसकी आवाज़ विच होर भी अमृत रस घोलदी सी। जदों सवेरे उच्ची आवाज़ विच आसा दी वार उचारण करदा तां पिंड दे लोकां नू इस अमृतमई बाणी सुनन दी डाढ़ी खिच पैंदी। यही खिच बाणी सुनन दी बाला प्रीतम लैणे जी दे हिरदे नू वी पई। बाल लैणा जी ने पहली बार उस अकाल पुरख की सिफत सलाह अमृत रस जीवन के उपदेश बाणी के रूप में अपनी पंजाबी मात बोली विच सुने। बाला प्रीतम लैणा जी का घर भाई जोधे के घर के लागे ही सी। भाई जोधे की आवाज़ हर रोज़ सवेरे उन्होंने घर स्पष्ट सुनाई दिंदी सी। बाल लैणा हर रोज़ सवेरे उठ पैंदे ते भाई जोधे के मुखारबिंद तो उच्चारण हुंदी बाणी अपने घर बैठे सुनदे। बालक लैणे जी का एक दिन फिर ऐसा आया जद पूर्बले कर्मा दे संस्कार उन्हां दे जाग पए। सवेरे अमृत वेले उठ भाई जोधे दे घर चले गए। सनमुख बैठ आसा दी वार सरवण कीती। भाई जोधे ने आसा दी वार तो बाद जद भिन्नी रैनड़ीए चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे शब्द गाया तां बाल लैणे जी दी समाधि लग गई। भाई जोधे ने गुरु नानक देव जी दी याद कीता दूजा शब्द गाया जित सेविया सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए जित कीता पाईए अपना सकाल बुरी क्यों घालीए। ये शब्द सुन बाल लैणा जी दे मन विच श्री गुरु नानक देव जी दी प्रति अथाह प्रेम जाग गया। ऐसा प्रेम के हर रोज़ अमृत वेले भाई जोधे दे घर पहुँच जाते ते बाणी सरवण करदे। बाला प्रीतम लैणा जी दे मन विच गुरु नानक देव जी दी अमृतमई बाणी सुन सुन गुरु नानक देव जी दे दर्शनां दी तीबर इच्छा जाग पई। रात दिन गुरु साहब दे दर्शन करन दा ख्याल ही मन विच वस गया। बाल लैणा जी दे पुछण ते भाई जोधे ने गुरु नानक देव जी करतारपुर रहिंदे हन ते संगतां नू कीर्तन अते अपने वचनां नाल दर्शन दे के निहाल करदे हन दस्सिया। बाल लैणा जी दे मन विच ए तांग रहिंदी कि कदों ओह दिन आवेगा जदों जाके ओह गुरु नानक देव जी दे दर्शन कर निहाल होणगे। भाई जोधे तो बाल लैणे जी ने सुनिया सी कि जद गुरु नानक देव जी संगत विच बैठ अमृत रस शब्द का कीर्तन करते हैं तो बैठी संगत दियाँ समाधियां लग जांदियां हन। कीर्तन तो बाद बचन विलास करदे हैं सतगुरु जी सिखां दे शंके निवृत्त करते हैं। आई साध संगत नूं वाहिगुरु का नाम दान दे के अपने सिख बनाउंदे हन। ये उन्हां दा नित दा विहार है। बाला प्रीतम लैणा जी दे मन विच ये अभिलाखा वधदी गई कि कदों ओह श्री गुरु नानक देव जी दे पवित्र स्थान करतारपुर पहुँचण नामदान लैण ते उन्हां दे सिख बनण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।